लास्ट सिक्स मंथ वॉज टेरेबल फॉर मी। छः महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई वॉज ब्रोकन माई लेफ्ट लेग। आई वॉज रेफर टू द डॉक्टर। उन्होंने दो महीने मुझे बेड रेस्ट दिया, सर्जरी करके मेरा पैर ठीक कर दिया। दो महीने बाद मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया तो पेन वॉज टू मच। हर दिन मेरे पैर में दर्द होता था। मैं जॉब पे जाता था, उधर भी दर्द होता था। अल्टीमेटली सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया पर पेन का रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सी दवाइयाँ भी, एलोपैथी की सारी दवाइयाँ भी मैंने ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं था, मेरी मदर ने उन्होंने दवाई भेजी। 15 दिन खाने के बाद आई वॉज लाइक दर्द तो ऑलमोस्ट कम हो गया है। नहीं था, मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी। हकीम जी की दवाई में कुछ तो बात है। हकीम जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरी सारी तकलीफें बॉडी की दूर हो गई। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ दुबई यूएई में, जहां पे हम उन सभी दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं जो हकीम साहब से जुड़ के ना सिर्फ सेहतमंद हुए हैं बल्कि उनके अंदर जीने की उम्मीद जागी है। कैसे, ये आपको हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आज दुबई में मैं जिस जगह बैठी हूँ वो डेरा है और यहाँ पर अल मैदान टावर है। यहाँ पर रहते हैं अब्दुल नवाज़ खान साहब। उनसे मिलने का हमें मौका मिला है, उनके घर हमने विज़िट किया है क्योंकि जानना था हमें उनकी सेहत का हाल और ये भी जानना था कि उनकी ज़िंदगी में जो एक बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार गए थे और जीने की आस भी कहीं ना कहीं खो चुके थे। उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, सिर्फ वो 34 साल के हैं। तो मिलकर स्वागत करूँगी बहुत बहुत अब्दुल नवाज़ खान साहब का और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई जब वो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़े और उनके जीवन में वो कौन सा हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है आदाब। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बहुत बेहतर फील करता हूँ क्योंकि लास्ट सिक्स मंथ वॉज टेरेबल फॉर मी। 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और लाइफ बहुत टफ हो गई थी क्योंकि मैं, आप जो जानती हैं, मैं ऑपरेशंस में काम करता हूँ होटल में, तो मेरा बैठने का भी काम है और खड़े होके गेस्टों की क्वायरीज भी हैंडल करना पड़ती हैं। आई वॉज ब्रोकन माई लेफ्ट लेग, मेरा हाथ, ये पैर टूट गया था। उसके बाद मैं, आई वॉज रेफर टू द डॉक्टर। उन्होंने दो महीने मुझे बेड रेस्ट दिया और मेरे सर्जरी करके मेरा पैर ठीक कर दिया। उसके बाद आई वॉज फीलिंग लाइक, दो महीने बाद मैंने डॉक्टर को फिर से दिखाया तो पेन वॉज टू मच। हर दिन मेरे पैर में दर्द होता था। मैं जॉब पे जाता था, उधर भी दर्द होता था। इस कारण मैंने बहुत सी छुट्टियां भी ली ऑफिस से और वो इज लाइक मुझे कोई दवाई नहीं मिल रही थी जो मुझे सपोर्ट कर सके, मेरा पैर का दर्द जा सके। जैसे कि मैंने अल्टीमेटली सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया पर पेन का रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सी दवाइयाँ भी, एलोपैथी की सारी दवाइयाँ भी मैंने ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक महीना निकल गया, वो दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा। या तो मुझे घर जाके अपने फैमिली के साथ, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ तो अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना होता, वहाँ पे जाके चेक कराना होता और डॉक्टर से दवाइयाँ लेने होती, या तो मुझे यहाँ पे रुक के कुछ इलाज ढूंढना था। मैंने अल्टीमेटली मैंने यही सोचा कि मैं चला जाऊँ, पर फिर भी मेरी मॉम ने कहा वेट करो। उनकी फ्रेंड ने एडवाइस किया था कि हकीम जी के दवाई खाओ, बट आई डोंट, उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। पर उन्होंने कहने के बाद मैंने कहा ठीक है, 15 दिन की दवाई खा लेते हैं उनकी, उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं काम चला, नहीं दर्द गया तो मुझे जाना पड़ेगा अपने मुल्क। तो उसके बाद मैंने दवाई मंगाई, उनकी दवाई खाना स्टार्ट कराए, बस एस केयर कैप्सूल मैंने मंगाए, मैंने खाए। 15 दिन खाने के बाद आई वॉज लाइक दर्द तो ऑलमोस्ट कम हो गया है और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिए उनके दर्द खाना। मैं तो उनको जानता भी था, हकीम जी की दवाई कहता था, पर बाद में उसका जो मेरे ऊपर असर हुआ उस दवाई का, उसके बाद मैंने जाना कि कौन है हकीम जी उनके। मैंने उसके बाद मैंने थोड़ी डिटेल्स चेक करी उनकी, उसके बाद पता चला हकीम सुलेमान खान हैं उनका नाम है। और उसके बाद उन्होंने, अब आज तक मैं उनकी दवाई खा रहा हूँ और पेन इज ऑलमोस्ट गॉन। आपने कहा कि आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है? मेरी फैमिली इंडिया में रहती है। कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर है, दो सिस्टर्स हैं। तो फैमिली भी बहुत परेशान रहती होगी, देखिए वो इंडिया में है और आप यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली सिचुएशन भी रही होगी। वो आप क्या सोचते थे उस वक्त कि अब कैसे होगा, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है और आपका जो प्रोफाइल है, जैसे कि आपने कहा कि आपको क्लाइंट्स को डील करना होता है,
तो कैसा वो पूरा टाइम रहा था आपका? वो पूरा टाइम काफ़ी मुश्किल था। मुझे रोज़ाना ऑफिस जाना पड़ता था, और उसके बाद मैंने कई स्किप भी करे, कई बार ऑफिसेस उनको बता के पेन है, बट इट वॉज टू मच। मैनेजर वो सेइंग, यार तुम इतना कैसे लीव ले सकते हो? तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या तो मुझे घर जाके प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके एडमिट होना पड़ता, और इसकी क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे कि पेन किस वजह से आ रहा है, तो या तो मुझे दवाई खाना थी, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मदर ने उन्होंने दवाई भेजी, उन्होंने कहा खा के देखो, ट्रस्ट करो डॉक्टर पे, शायद काम कर जाए। तो ये इसने फ़र्क दिखाया। आपकी मदर ने आपको हकीम साहब की एस केयर भिजवाई, तो आपने बहुत सारे सवाल तो यकीनन उनसे पूछे होंगे कि क्या दवाई है, क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट में जो यंगस्टर्स हैं वो जल्दी से आते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो दादी होती है, मम्मी होती हैं और उनकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो घरेलू नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा भरोसा बहुत करते हैं। मुश्किल था ट्रस्ट करना यूनानी मेडिसिन पे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, एलोपैथी पे मैं यकीन रखता था, उसकी दवाई मैं खाता था, जो भी वो होता है, बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, बिल्कुल। और मैंने काफ़ी दवाई भी खा रखी थी, पेन किलर मैंने बहुत से खाए थे, पर किसी का कुछ वो काम नहीं हो रहा था, कुछ दर्द नहीं जा रहा था मेरा, इसलिए इट वॉज वेरी हार्ड। और उसके बाद मम्मी ने कहा खा के देखो, बेटर है अगर घर आना है तो आ जाओ, पर एटलीस्ट खा के देखो, शायद कोई फर्क आए। तो मैं ये भी सोच रहा था कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल, बट साइड इफेक्ट कुछ नहीं था। मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी, हकीम जी की दवाई में कुछ तो बात है। एस केयर के तो बिल्कुल मैं अच्छा उनका फीडबैक दूंगा, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो मेरे दोस्तों की भी। कुछ भी दर्द की प्रॉब्लम है तो इट्स अ गुड मेडिसिन मैम। बिल्कुल। तो एस केयर आपने कब तक खाई वैसे? एस केयर मैंने खाई थी टोटल 1 महीने तो खाई थी, 15 दिन बाद मुझे असर दिखाना शुरू कर दिया था, तो मैंने कंटिन्यू करी, 1 महीने खाई, और अभी मेरे पैर में कुछ तकलीफ नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको 15 दिन के अंदर रिलीफ लगा रिलीफ शुरू? मिला 15 दिन में। ठीक है, तो अभी तक कंटिन्यू है अभी आपकी तक ऐसा? 1 महीने खाई थी, अभी भी कंटिन्यू कंटिन्यू है। है। तो कितना परसेंट हम आराम माने, किन चीज़ों में आसानी हो गई, जैसे वाज आपका लाइक स्टैंडिंग हाँ, का काम है ज्यादातर जी? स्टैंडिंग का काम होता था, उसके बाद जब चलता था तो पेन होता था, वो पेन बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। मौसम चेंज होता था तब भी पेन होता था, कि बर्दाश्त नहीं वो कर पाते थे पेन? बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, चला नहीं जाता था, बैठना पड़ता था इन दी एंड, और बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद अभी तो पेन मेरा ऑलमोस्ट 80% चला गया है, 20% वो दवाई खा रहा हूँ तो चला जाएगा। तो यूनानी ट्रीटमेंट पे अब आपको कितना भरोसा हो गया है? बिल्कुल, वैसे तो साइड इफेक्ट नहीं है इसके, ये बात बिल्कुल। इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद आप खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, और हकीम जी पे मेरा बहुत विश्वास है, वो मुझे गलत चीज़ नहीं देंगे। एस केयर तो बहुत अच्छी दवाई है, अगर किसी को भी पेन हो, कहीं पे भी हो आपकी बॉडी में पेन, आप एस केयर खाएंगे आपको फ़र्क मिलेगा। मेरा तो एक्सेप्शन था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे दर्द का एहसास हुआ, तो कितना दर्द होता है कितना दर्द नहीं होता है, और उससे फ़ायदा भी मिला। लोग होते हैं जो बैठ के काम करते हैं, आपको पता ही है, बैठ के काम करने हैं, बहुत से कलीग्स मेरे हैं उनके पेट में दर्द होता है, तो ज़्यादातर बैठ के काम नहीं कर सकते, खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वॉक स्टार्ट कर देंगे, कहते हैं पीठ में दर्द हो रहा है। इसके लिए भी मैं अपने दोस्तों को अभी भी देता हूँ और आगे भी दूंगा, हकीम जी की एस केयर दवाई वो खाएँ, उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी जो मदर है वो भी हकीम साहब से जुड़ी हुई है? हकीम साहब से जुड़ी हुई नहीं थी, उनको भी किसी ने एडवाइस किया था कि हकीम साहब की दवाई खाओ, उसके बाद उन्होंने दवाई खाना शुरू करी, उनके ऊपर फर्क पड़ा, तो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि खाओ। ठीक है, आप जॉब कब से कर रहे हैं वैसे? जॉब मैं 2016 से कर रहा हूँ। ठीक है, दुबई में? दुबई में। ओके, तो अभी आप अनमैरिड भी हैं? जी। ठीक है, तो आने वाली जो लाइफ है आपकी, और आप जॉब भी कर रहे हैं, आपने ये भी सोच लिया था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो कैसे आपने चीज़ों को मैनेज किया, कैसे खुद को उस डिप्रेशन से निकालने की आपने कोशिश की? क्या आप किसी से बात शेयर करते थे, या फिर आपने क्या सोचा? मैं सारी बात शेयर करता था अपने पेरेंट्स से, और उनको सब कुछ पता था कि कितनी लाइफ, ये दर्द मेरे ऊपर कितना इफेक्ट कर रहा है मेरी ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि बिना जॉब के इट्स वेरी हार्ड टू स्टे इन इंडिया एंड ऑल, और उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, मुझे क्या करना है आगे, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था हकीम जी की दवाई खाने के बाद, तो वो भी चला गया। ये इसने दवाई ने बिल्कुल बहुत अच्छा असर किया है मेरे ऊपर। हकीम जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरी सारी तकलीफें बॉडी की दूर हो गई, और मैं बहुत शुक्रिया करूँगा हकीम जी का,
वो मेरी लाइफ में इतनी अच्छी मेडिसिन लेके आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल की और आपको इतना आराम मिल गया है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, आप ऐसे ही फिट रहें, फाइन रहें। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो दर्शकों देखिए, आपने अभी सुना सरकों के किस तरीके से उनको आराम मिला है हकीम साहब के मेडिसिन का इस्तेमाल करके। उनको पैरों में तकलीफ थी, पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्हें दर्द उसी पैर में हो गया जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था। फिर वो हकीम साहब से जुड़े, एस केयर का उन्होंने इस्तेमाल किया और आपने खुद देखा कि अब वो कितने बेहतर हो गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं। यही बात मैं आपको भी बताना चाहूँगी, जब आप लोग यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ते हैं तो आपको सब्र रखना होता है, संयम रखना होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको मिलवाऊंगी उन दर्शकों के साथ जिन्होंने ना उम्मीदी तो रखी थी कि मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन एक उम्मीद जागी जब उन्होंने हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल किया, नुस्खे उन्होंने अपनाए और विश्वास रखा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ या ठीक हो सकती हूँ। तो आप भी ऐसे ही अपना ख्याल रख सकते हैं, अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना रहते हों। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।